हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरिंदर स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज डेफिसिट, घाटा क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे बजट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और मोनेटाइज डेफिसिट। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट में आपने देखा था रिवेन्यू बजट में रिवेन्यू रिसिप्ट होता है राजस्व आय, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व खर्च। ऐसे ही पूंजीगत बजट में कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे आपके वो 100 रुपये पॉकेट मनी मिली हुई थी, उसमें से आपने अगर 50 रुपये का जूस पिया है तो वो बजट में आता था रिवेन्यू बजट में, और जो आपने 50 रुपये की किताबें खरीदी थी वो खर्चा आता था आपका कैपिटल बजट में। तो ऐसे ही देश भी खर्चा करता है। अगर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, उन दोनों में अंतर क्या है, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं पर्सनली। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटे के प्रकार कितने होते हैं। ये दो तरीके से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग, वित्तीय आधार पर। पहले बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिर प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, फिर रिवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा, और उसके बाद वित्तीय आधार पर देखेंगे बजट डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट। तो 5 टाइप्स का डेफिसिट हो गया आपका, 5 प्रकार के घाटे हो गए। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट किसे कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां। रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट ब्रोविंग, आपने देखना है कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां माइनस करने के बाद उनमें वो चीजें नहीं जोड़ी जाती जो उधारी से ली होती हैं, तो उधार से प्राप्त प्राप्तियों को छोड़ दिया जाता है। कुल व्यय में दोनों तरह के होंगे, राजस्व व्यय भी होगा, पूंजीगत व्यय भी होगा, और कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां भी होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां भी होंगी। तो ये था आपका फिस्कल डेफिसिट। कैसे याद रख सकते हैं, FD इज इक्वल टू है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बी, बी का मतलब बोरोविंग, उधारी को छोड़कर। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, बात करते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू है फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। प्राथमिक घाटा बराबर है राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान, जो ब्याज के रूप में भुगतान करती है सरकार, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो PD इज इक्वल टू है फिक्स डिपॉजिट फिस्कल डेफिसिट FD माइनस में IP। तो PD इज इक्वल टू FD माइनस IP। तो दो तरह के घाटे याद हुए आपको। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का घाटा है राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व घाटा बराबर है राजस्व प्राप्तियां माइनस में राजस्व आय। यहाँ याद कैसे रखेंगे, RD इज इक्वल टू है RE माइनस RR, और RD इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सेप्ट, जो रिवेन्यू RE से क्या बना था यहाँ पर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट होगा आपका, ये याद रखना है आपने। अब बात करते हैं बजटरी घाटा, बजट घाटा क्या होगा, जो टोटल घाटा आएगा ना इसमें, जैसे एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो और रिसिप्ट कम हो तो वो क्या कहलाता है, बजटरी घाटा कहलाता है, बजट डेफिसिट। फिर बात करते हैं मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, मौद्रिकृत घाटा। मौद्रिक घाटा बराबर है बजटरी घाटा प्लस में सार्वजनिक ऋण के संबंध में RBI का योगदान। तो आपने देखना है जब बजटरी घाटा होता है और उस घाटे में और घाटा कौन सा जोड़ दिया जाता है, सार्वजनिक ऋण के संबंध में, जब RBI द्वारा कोई भी सरकार को डूबने से बचाने के लिए योगदान दिया जाता है, उस घाटे को बोला जाता है मौद्रिकृत घाटा। इट इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट विच इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म RBI बोरोविंग्स, उसे कहा जाता है मौद्रिकृत घाटा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये घाटे देखे, अगली वीडियो में हम बजट के बारे में और डिफाइन करेंगे अच्छे से।